भावलोक फ्रॉम सीजन 3 की जर्नी बस खत्म हो ही गई, जिसका लास्ट एपिसोड कल यानी 24 नवंबर को हमें मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस सीजन को मेकर ने बहुत खींचने का काम किया है और बहुत सी उलझुल चीजें दिखाई हैं, तो उन सबको भी आज कॉल आउट करने वाले हैं। दूसरा भाव फ्रॉम सीजन 4 भी अनाउंस हो चुका है, जो हमें 2026 में मिल जाएगा, जिसके लिए एक्साइटमेंट तो है, और वो इसलिए भी क्योंकि एपिसोड 10 में बहुत कुछ मास्टर ब्लास्टर मिलने वाला है और बहुत से चिट्ठे खुलने वाले हैं इस टाउन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक से ढेर सारा प्यार दे दो। साथ में एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी है कि बाबा बाकी के कंटेंट को भी उतना ही प्यार दिया करो जितना इस फ्रॉम सीरीज को देते हो। तो भाई सूत्रों से पता चला है कि बॉटल ट्री से जो पर्चियां मिली थी उनको जेड एंड टैबिथा ने डिकोड कर लिया है, जो हमें एपिसोड 10 में देखने को मिलेगा। और जो पर्चियां के नंबर को हम सिर्फ डिजिट समझ रहे थे, वो कोई मामूली डिजिट नहीं है, क्योंकि उन डिजिट्स का कहना होगा कि वो एज म्यूजिकल नोट्स यूज हो सकती हैं, जो हमने प्रोमो में भी जेड एंड टैबिथा को फार अवे बॉटल ट्री पर वो वायलिन बजाना देख रहे थे, और वो साथ में उन दोनों का रिएक्शन ऐसा आ रहा था जैसे उन्हें कुछ याद आया है। यस, उन पर्चियों के डिजिट को म्यूजिकल नोट्स में पिरोकर जब जेड वायलिन बजाएगा तब एक आंकुई किट दिखाई देगा, जो बहुत ही प्लीजेंटली आंकुई बोलेगा, और शायद जेड एंड टैबिथा भी उसके साथ आंकुई रिपीट करेंगे, एंड सडनली जेड एंड टैबिथा दोनों को ही हिट करेगा कि आंकुई मींस रिमेम्बर मी है। और सिर्फ इतना ही याद नहीं आएगा, पिछले जन्म का कनेक्शन भी याद आएगा, जिस पे हम पहले ही बहुत बातें कर चुके हैं कि टैबिथा ही मिरांडा है, जेड ही क्रिस्टोफर है, लेकिन उस टाइम वो फेल हो गए थे। बाकी इसके साथ ये हमने ये भी डिस्कस किया था कि टैबिथा एंड जेड शुरू में जब इस टाउन में टाउन को कर्स नहीं लगा था तब एक कपल के रूप में रह रहे थे, और उन आंकुई चिल्ड्रन में से एक उनका भी बच्चा है। तो ये सब कुछ जेड एंड टैबिथा की याद आ ही जाएगा, जो एक्चुअल में उन बॉटल ट्री की पर्चियों की मदद से ही पॉसिबल हो पाएगा, जिन पर्चियों को हम बिल्कुल बेफिजूल ही समझ रहे थे। लेकिन जो रूट साइन जेड को मिला है, भाई मैं उसके लिए एक्साइटेड हूं कि उसके पीछे का क्या राज है। आखिर वो देखते हैं एपिसोड 10 में क्या मिलेगा। इसी के साथ जिम टैबिथा की याददाश्त के बाद डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा, मतलब उसे समझ में नहीं आएगा, प्रोसेसिंग माइंड हिट करेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, और कहीं अकेले में शोक विलाप कर रहा होगा। तभी जिम को जूली दिखेगी, लेकिन कुछ चेंज, क्योंकि इस जूली के बाल छोटे होंगे, और अपने फादर जिम से कहेगी कि रन, बट वो थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाएगा कि ये अचानक हुआ क्या, कि ये चल क्या रहा है। तभी एक गंजा अधेड़ उम्र का इंसान अपीयर होगा, जो येलो ड्रेस में होगा, और जिम से आते ही कहेगा, हेलो जिम, तुम्हें अपनी वाइफ को गड्ढा नहीं खोदने देना चाहिए था, एंड जिम का गला चीर देगा उसी वक्त। जूली चिल्लाती रह जाएगी। खैर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन डिटेल में नहीं किया था, और मैं आज के लिए ही बचा के रख रहा था इस पार्ट को। लेकिन सूत्रों से ये भी पता लगा है कि ये मैन इन येलो एक मॉन्स्टर क्रिएचर होने वाला है, जो दिन में भी निकल सकता है, और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाएगा मे बी। दैट्स वाई कि मैं सीजन 4 के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक जो मॉन्स्टर कुछ लिमिटेड पावर के साथ रात में निकलते नजर आते थे, लेकिन वो इवोल्यूटेड फॉर्म में अब हमें दिखते नजर आएंगे, जो लास्ट में हमें देखने को मिलेगा, मिल सकता है। तो वह अगर सॉल्यूशन मिल रहा है इस टाउन को समझने के लिए, इस टाउन के कर्स को, कर्स से निपटने के लिए, जो जिम एंड टैबिथा को याद आ ही जाएगा, तो इसके साथ साथ टाउन की मुसीबत भी पहले से ज्यादा बढ़ते नजर आएगी। दैट्स वाई कि मैं एक्साइटेड हूँ सीजन 4 के लिए। बाकी इस मैन इन येलो को हमने मिरांडा के घर में पेंटिंग में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो, और जिस गड्ढा खोदने को उसने जिक्र किया वो हमने पिछले सीजन में देखा था, जब टैबिथा घर के नीचे वो गड्ढा खोद रही थी, और जिम को पहले भी इस गड्ढे को ना खोदने की वार्निंग मिली थी कि टैबिथा को रोका जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही थी। तो वह इस गड्ढे का कनेक्शन मे बी फ्यूचर से हो सकता है, जहाँ से ये मैन इन येलो आते दिख सकता है हमको, या फिर आया होगा, देखते हैं वो एपिसोड 10 में। और जूली भी, जो चेंजेबल जूली है छोटे बाल वाली, वो भी शायद यहीं से आई होगी या आती दिखेगी, देखते हैं वो एपिसोड 10 में। जब थोड़ा और डेटा हमें एपिसोड 10 से मिल जाएगा तो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी बाबा टाइम ट्रैवलिंग भी इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे बालों वाली जूली आएगी उसे फ्यूचर से ही समझा जा रहा है, वरना उसे ये कैसे पता कि अब जिम मरने वाला है, और जिम को भागने के लिए भी कहा जाएगा, जहाँ जिम का भी फ्यूचर में सॉलिड रोल हो सकता है। बट जूली को टर्मिनेटर की तरह भेजा तो था बचाने के लिए, पर वो बचा नहीं पाएगी। तो मे बी मैन इन येलो भी फ्यूचर से ही आएगा या आया होगा, आते हुए दिखेगा, देखते हैं वो एपिसोड 10 में सारी बातें कितनी सच होती है कितनी नहीं, भाई वो तो वहीं पता चलेगा। बाकी अगर आपको याद हो तो फातिमा को एक अंडरग्राउंड दरवाजा भी मिला था, तो उसका भी रोल है। जब फातिमा एक मीट के टुकड़े को जन्म देगी, शायद ऐसा ही है, तब किमेनो वुमन उसे उठाकर उस दरवाजे के जरिए वहां जाएगी जहां ढेर सारे मॉन्स्टर्स सर्कुलर ऑर्डर में खड़े
नजर आएंगे और उनके बीच जाके उस न्यूबॉर्न बेबी को रख देगी और देखते ही देखते वो न्यूबॉर्न बेबी बहुत बड़ा हो जाएगा जो स्माइली मॉन्स्टर निकलेगा आगे जाके। लेकिन इस किमिनो वुमेन का पीछा अपना बॉयड भी करेगा क्योंकि एल्जिन सारा को सब सच बता देगा कि कहां उसने फातिमा को छुपाया है आफ्टर द सो मच टॉर्चर, क्योंकि सारा बहुत टॉर्चर करेगी उसको जो आंख भी फोड़ेगी। लेकिन बॉयड जब इन सारे मॉन्स्टर के बीच पहुंच जाएगा तो मरेगा या नहीं वो देखते हैं एपिसोड 10 में। लेकिन हाँ, कुछ एक चीज है इस सीजन में बड़ी बेतुकी सी भी लगी, जूली जब वो डंजन प्लेस में गई तो उसका रियल फिजिकल फॉर्म वो ऊपर ही रह गया था, देखा जाए तो उसकी सोल ही अंदर गई थी या फिर सिर्फ दिमागी तौर पर वो अंदर गई थी, बट वहां जाके वो चीजों को पकड़ कैसे सकती है फिर जब उसने रस्सी फेंकी बर्ड को रेस्क्यू करने के लिए, या तो उसका पूरा शरीर अंदर जाता तो ये लॉजिक सेट हो सकता था, ये बन सकता था वहां की, हाँ वो चीजें वहां जाके टच कर सकती थी, बट ये चीज थोड़ी सी अटपटी लगी। बाकी वो किमेनो वुमन और किसी को नहीं दिखाई देती लेकिन फातिमा और एल्जिन को ही दिखाई देती है। अगर वो एक नेगेटिव सोल है तो सोल रियल ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते, हाँ मैजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसने फातिमा को पकड़कर उसका मुंह भी दबाया और फातिमा के बच्चे को भी उठा के ले जाएगी, वो हमें एपिसोड में देखने को मिलेगा, तो ये भी थोड़ा नहीं जमा। बाकी सबसे बड़ी घटना तो ये गर्दी मेकर ने स्माइली मॉन्स्टर को भगाकर, जबकि पिछले सीजन वाला भी स्माइली भी हमें स्लोली चलते ही नजर आया था सीजन 2 में, जब बॉयड स्माइली को मार रहा था तब वो बहुत स्लो फॉर्म में ही था, पर मिरांडा को मारने वाला स्माइली भागते, तो मेकर जो है अपने ही कॉन्सेप्ट को भूले जा रहा है जो उसने ही इंट्रोड्यूस करा था कि मॉन्स्टर स्लो फॉर्म में ही चलेंगे और अभी तक हमने उन्हें स्लो मोशन में ही चलते देखा था। तो ये दो तीन चीज़ें मुझे अखर रही थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि स्माइली भाग कैसे सकता है, तो भाव मैं भी कंफ्यूज था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मेकर कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो गया है फ्रॉम सीरीज की सक्सेस को देखकर, इसलिए इस चीज़ पर नोटिस नहीं किया या ध्यान नहीं गया होगा और दिखा दिया ज़बरदस्ती। देखते हैं शायद इसका कोई कनेक्शन हो तो ठीक है, वरना मुझे तो ये उलझुल ही लग रहा है। बाकी कल के लिए कौन कौन एक्साइटेड है भाई, एपिसोड फिनाले जितने जल्दी आएगा मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन आए, और कल रात तक ही हम एंडिंग एंड ब्रेकडाउन वीडियो को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, कोशिश यही रहेगी अगर एपिसोड जल्दी मिल जाता है तो। बाकी मिलते हैं बाबा ने, कोई सवाल जवाब दिमाग में चल रहे हैं तो यस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, उस पर भी बात करेंगे, शायद कुछ वहां से हिंट मिल जाए या फिर कुछ इस कहानी को समझने के लिए रास्ता मिल जाए या क्लू भी मिल जाए, जो भी है जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना, यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।